के पाठक द्वारा चयनित शिक्षकों के जमा किए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का सत्यापन होगा। पहले और द्वितीय चरण में चयनित 5,467 शिक्षकों के कागजात का सत्यापन किया जाना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय स्तर पर ये काम शुरू होगा। पहले चरण में बिहार बोर्ड से जिले में मौजूद शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों द्वारा जमा किए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का अब सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पहले और द्वितीय चरण में चयनित जिले के 5,667 शिक्षकों के कागजात का सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि बीपीएससी के पहले चरण से जिले में 3,503 और दूसरे चरण में 1,967 शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसके द्वारा विभाग के वेबसाइट पर अपने प्रमाण पत्र अपलोड किए गए थे। उन्होंने कहा कि अब उसका मिलान बिहार बोर्ड सहित अन्य बोर्ड के वेबसाइट से किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि शिक्षकों द्वारा जो प्रमाण पत्र उनके शैक्षणिक योग्यता से जुड़े अपलोड किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर ये काम शुरू होगा। पहले चरण में सिर्फ बिहार बोर्ड से जिले में मौजूद शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच होगी। इसके बाद अन्य राज्य के बोर्ड से आए शिक्षकों के कागजात की जांच होगी। इसके लिए शिक्षकों का आना जरूरी नहीं है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि शिक्षा विभाग के कर्मी प्रखंडवार शिक्षकों की सूची ब्लॉक से लेंगे। इसके बाद यहां पर उनके द्वारा जमा किए गए सर्टिफिकेट और विभाग के साइट पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट का मिलान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक सर्टिफिकेट के मिलान होने पर ऑनलाइन माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई भी एक सर्टिफिकेट का मिलान नहीं होता है तो अनवेरीफाई कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।